जी किस लिहाज आप जो यहाँ इकट्ठे हैं वो हुए हैं? देखो दिनेश जी, ये डाइवर्स से पानी का यहाँ पे भराव हो रहा है और अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पहले ओनली इस एक खेत में जहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें इकट्ठा हुआ था, अभी रोड क्रॉस करके और लोगों के घरों तक पहुँच चुका है पानी। वहाँ की स्थिति आप दिखाइए लोगों को, तो यहाँ पे भी नज़दीक में मकान है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और इस साइड में चौहान कॉलोनी है उनके प्रॉब्लम होती है, खूब से मकान है और इधर मंगलम सिटी है जिसमें भी पानी का भराव हो चुका है और चार पांच खेतों में भराव हो चुका है पानी का, तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस के चेयरमैन हैं और इनकी सरकार भी है और विधायक हैं आकम अली खान जी, वो भी कांग्रेस के हैं, अगर वो अभी काम नहीं करवा सकते, अगर अभी अपने सरकार के समय में काम नहीं करवा सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बार बार आते हैं यहाँ पे, आश्वासन दे के चले जाते हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ के लोग इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कब से ये समस्या? ये दो वर्ष से ज़्यादा हो गए, डाइवर्स के करीबन हो गए। तो ये जो पानी भराव हुआ है ये किसी की निजी संपत्ति या फिर गवर्नमेंट की है? ये निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति होने के बाद भी ये बड़ी बात है कि ये पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ? बार बार बोल चुके हैं, जिनका खेत है जिनके पास में मकान है बार बार बोल चुके हैं, यहाँ पे विधायक जी आते हैं आश्वासन देके वापस चले जाते हैं कि 10 दिन में करवा देंगे, 5 दिन में करवा देंगे, ईओ साहब आते हैं, नगरपालिका के अधिकारी आते हैं और नगरपालिका के चेयरमैन आ जाते हैं, आश्वासन देके वापस चले जाते हैं। और अभी स्थिति ऐसी है कि जो ये रोड है ये कोई आम रोड नहीं है, ये रास्ता बारी के बाद में काफ़ी गाँव से टच है और रतनगढ़ की तरफ भी जाता है, इधर सालासर की तरफ भी गाँव से होते हुए जाता है, तो यहाँ की पूरी रोड है वो एकदम फूट चुकी है, पूरी तरह टूट चुकी है, आप दिखा सकते हैं सबको। तो क्या किसकी शिकायत कभी आपने की जिम्मेदार को? इसकी शिकायत जिम्मेदार को नगर पालिका में ईओ साहब को की है, इसकी शिकायत चेयरमैन साहब को की है, एमएलए जी को शिकायत की है और एसडीएम साहब भी यहाँ पे मौके पे आए और बार बार आप पत्रकारों के जरिए बार बार उनको सूचित किया गया है। तो क्यों आखिर ये बेरुखी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण है वो आश्वासन दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं काम का। एमएलए साहब तो मेरे को सरपंच का चुनाव था तब से मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ सरपंच का चुनाव आ जाने दो मैं कर दूंगा आपका, उसके बाद में 3 बार उनको बोल दिया, अरे यार थोड़ा दिन रुको ऐसा बोल रहे हैं, कोई आश्वासन के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है। क्या लगता है आपको ये होगा कि नहीं होगा? क्या मेरे को लगता है ऐसे ही। देखो अगर ये नहीं होगा तो इसके लिए ये बारीक है जो रास्ता बारीक है, आगे भी जो गांव आते हैं बारीक के लोग है और इधर डाणियों के लोग आके और यहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे और ये रोड टूट चुकी है, अगर ये पूरी रोड टूट जाएगी तो ये रास्ता बंद हो जाएगा और यहां के जो आसपास की कॉलोनी के लोग हैं ये यहां पे उग्र आंदोलन करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानेंगे, अभी सब लोग इसका लॉकडाउन का और ये पालन कर रहे हैं अभी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से मास्क भी लगा रखा है और इतने भीड़ भी इकट्ठी नहीं है, सबको हमने रोका है, यहाँ की बहन बेटे हैं और सब परेशान हैं क्योंकि इस दूषित हवा से वातावरण इतना दूषित हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये बात काफ़ी बार यहाँ लोग इकट्ठे भी हुए हैं, राजनेता भी आए हैं, लेकिन ना तो अभी तक काम हुआ ना ही इसका प्रभाव हुआ है, वो जनप्रतिनिधियों पर या जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर रहा है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि यहाँ के विधायक महोदय जी को बार बार कह चुके हैं, एक ही काम नहीं इसके अलावा भी बहुत काम है जिनके बारे में कह चुके हैं, वो सुध बुध नहीं ले रहे हैं, जनता के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, इसके लिए जनता बहुत दुखी है, फतेहपुर की जनता बार बार उनको हर काम के लिए चेता रही है, फतेहपुर की सड़कों की स्थिति खराब है, फतेहपुर के नाले और जो फतेहपुर में पानी का भराव होता है उसके लिए आश्वासन दिया था इन्होंने विधायक बनने से पहले और बार बार ये मतलब 10 दिन का 15 दिन का आश्वासन दे देते हैं लेकिन बिल्कुल भी सूझबूझ नहीं ले रहे हैं, इसके लिए जनता बहुत परेशान। आप कह रहे हैं कि रास्ता रोकेंगे, रास्ते रोकने की बात काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी तक ना तो रास्ता रुका ना ही काम हुआ। अगर इस महामारी की वजह से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, अब मैं बता रहा हूँ अगर विधायक साहब अगर इस पे आपके जरिए देख रहे हैं तो उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो 2 या 4 दिन में इसके प्रति कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो ये सड़क तो टूटेगी, लेकिन इसका ये जो मोहल्ले के लोग अभी जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं युवा शक्ति, ये सब इतने दुखी हैं कि उनके घर तक जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, और पहले ईओ साहब को बुलाएंगे, एसडीएम साहब को बुलाएंगे, अगर फिर भी कोई सूझबूझ नहीं लेते हैं ये तो बाद में कुछ अलग ही निर्णय लेंगे। अलग निर्णय तो लेंगे लेकिन ये निजी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति नहीं है, उसके बाद भी इतनी गैर जिम्मेदाराना जो जिम्मेदार है, चाहे भले वो सीवरेज के कंपनी के हो या फिर नगरपालिका के अधिकारी हो, आखिर ध्यान किस क्या कारण है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है?
अब ध्यान है, बार बार उनको बोलते हैं मीठी मतलब मीठी मीठी बातें करके आश्वासन देके चले जाते हैं। अब मैं फोन करूंगा, वो आएंगे कि यार 10-15 दिन रुको, मैं कार्रवाई में लगा हुआ हूँ, उधर खेत ले रहा हूँ मैं, उसके बाद में आपका पानी उधर चला जाएगा, ये 2 दिन में खाली कर दूंगा, ऐसा ऐसा बोल के चले जाते हैं। फिर आएंगे 10-15 दिन से, अरे यार वो इसमें लगा हुआ हूँ मैं, उधर जाके अभी उधर जाके मैं देखता हूँ क्या किया क्या नहीं किया, ऐसा ही बोल के वापस चले जाएंगे बस। तो फाइनली क्या रहेगा आपका? फाइनली ये रहेगा कि कल विधायक महोदय जी को वो अभी फ़ोन करेंगे, फ़ोन पे वो कोई निर्णय लेंगे तो ठीक है, कल भी बोलेंगे, उनको सूचित करेंगे, अगर वो आते हैं यहाँ पे और किसी प्रकार का कोई निर्णय लेंगे तो ठीक है, नहीं बाद में यहाँ पे रोड रोक दी जाएगी, रास्ता आगे का रास्ता पूरा बंद कर दिया जाएगा। फतेहपुर नगर पालिका मुर्दाबाद, फतेहपुर नगर पालिका मुर्दाबाद, फतेहपुर चेयरमैन मुर्दाबाद, फतेहपुर चेयरमैन मुर्दाबाद, फतेहपुर विधायक मुर्दाबाद, फतेहपुर विधायक मुर्दाबाद, फतेहपुर विधायक मुर्दाबाद, फतेहपुर चेयरमैन मुर्दाबाद, फतेहपुर चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब देखो चेयरमैन है वो ही कांग्रेस और विधायक है, वही कांग्रेस का आपस में जो बोल रही है क्या बच्ची बोल रही है सर, यहाँ पत्रकारों पर विश्वास तो चारों तरफ पानी ही पानी।